नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज टॉप 10 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। एमपी के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 11 की मौत, कुछ देर कट, कुछ के हाथ पैर अलग हुए। 7 जिलों से फायर ब्रिगेड पहुंची, लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। जिला अस्पताल प्रबंधन के अनुसार 200 से ज्यादा घायल अस्पताल में लाए गए हैं। कमलनाथ बोले, नकुल ही लड़ेंगे छिंदवाड़ा से चुनाव, कांग्रेस से ही लड़ने के सवाल पर कहा, पार्टी ने लोकसभा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। विजयवर्गीय ने कमलनाथ को बताया बासी फल, भाजपा में जाने की अटकलों पर कहा, उनके लिए पार्टी के दरवाजे बंद हैं। जावरा एसडीएम ने किसानों को गालियां दी, वीडियो वायरल, किसानों ने कहा साहब गलत शब्द नहीं कहो, जवाब में बोले मैं 25 गालियां दूंगा। भंजगढ़ कुप्रथा में सुसाइड वाले वीडियो की पड़ताल, शादीशुदा महिला जब जब पति के पास लौटती प्रेमी को देना पड़ता था हरजाना। डिंडौरी कलेक्टर ने गाड़ी पर लिखवाया लोक सेवक, विकास मिश्रा ने कहा संविधान में उल्लेख नहीं, शिवराज भी कर चुके हैं तारीफ। नेक्स्ट, एमपी में कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे, डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में फैसला, नई आबकारी नीति को भी मंजूरी। इंदौर में महिला मित्र का फ्लैट फूंका, इसकी इनसाइड स्टोरी, दोनों शादीशुदा कैफे में मिले, फिर जबरदस्ती साथ रहने की जिद ने बिगाड़ी दोस्ती। मध्य प्रदेश में महंगी हुई शराब, कुलपति कहलाएंगे अब कुलगुरु, ये हैं मोहन यादव कैबिनेट के अहम फैसले। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई, बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। नकुलनाथ ही लड़ेंगे छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव, कांग्रेस छोड़ने की अटकलों पर कमलनाथ ने तोड़ी चुप्पी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी कुछ बड़ी और खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।